नमस्कार, आप देख रहे हो डीपीके न्यूज़। और राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है, तो सूरतगढ़ विधानसभा से हम बात करेंगे। सूरतगढ़ विधानसभा से लगातार यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर रही है। तो आज हमारे साथ जो कांग्रेस से जो मंत्री हैं डूंगराम जी गेदर हमारे साथ हैं। पिछली बार जो चुनाव हुए, पहले बहुजन समाज पार्टी के अंदर इन्होंने काम किया और यहाँ से जो इनको वोट मिले और किस विजन के ऊपर ये पिछले जो चुनाव हुए उस पर चर्चा करेंगे। और अब की बार जो यहाँ पे प्रबल दावेदार के रूप में माने जा रहे हैं कांग्रेस से, तो कांग्रेस पार्टी का जो अब की बार राजस्थान के अंदर जो बजट पेश हुआ उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और सरकार की योजना अब की बार 2023 का चुनाव सूरतगढ़ के लिए कैसा रहेगा उस पर भी चर्चा करेंगे। साहब, चैनल के अंदर स्वागत है आपका। धन्यवाद। डूंगराम, जैसे आपने मतलब दावेदारी पेश कर दी यहाँ से सूरतगढ़ विधानसभा से, पिछली बार भी आपने लगातार प्रयास कर रहे हो सूरतगढ़ विधानसभा के चुनाव को लेकर, तो सूरतगढ़ विधानसभा में किस विजन के ऊपर ये चुनाव रहेगा? और मतलब आपने पीछे भी आपने कई जो चुनाव लड़े हैं तो कई विजन होंगे आपके भी, एक बार यहाँ से मौका मिले तो इस क्षेत्र की जो समस्या है उसके बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर जो अभी चुनाव होगा विधानसभा का, वो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और उन योजनाओं को धरातल पे उतारने का जो काम उन्होंने किया है, जिससे आम आदमी को लाभ पहुंचा है। और हर व्यक्ति आज, कोई राजस्थान प्रदेश का कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो किसी न किसी योजना का लाभ नहीं ले रहा है। तो जिन योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचा है, मुख्यमंत्री जी की योजनाएँ हैं, उन पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। और राजस्थान प्रदेश में एक बहुत बड़ा अच्छा माहौल है। आज लगभग 3 महीने राजस्थान में विधानसभा चुनाव में हैं और आज भी राजस्थान में राजस्थान सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकमेसी नहीं है, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई नेगेटिविटी नहीं है और पूरे राजस्थान में एक अच्छा माहौल है कि वास्तव में राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी है उन योजनाओं का भरपूर लाभ मिला है। और राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। राजस्थान का बाड़मेर ज़िला, जैसलमेर ज़िला, जालौर सिरोही पाली ज़िला, जोधपुर ज़िला, जहाँ 20-20, 30-30 किलोमीटर पर गांव है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ शिक्षा की व्यवस्था, वहाँ चिकित्सा की सुविधा, वहाँ सड़क की व्यवस्था, पीने के पानी की सुविधा, इस तरह की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया है उसकी वजह से आज राजस्थान पूरे देश के अंदर 11.4% की विकास दर से राजस्थान देश के अंदर सेकंड नंबर है। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का अच्छा वित्तीय प्रबंध है और अच्छा बजट है और उसी बेस पर राजस्थान में चुनाव होना है। तो जैसे आपने पिछले चुनाव बहुजन समाज पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस का हारने का कारण क्या रह रहा है? अभी तो आप कांग्रेस के अंदर हो, तो कांग्रेस लगातार यहाँ से हार रही है सूरतगढ़ विधानसभा से। देखो, राजस्थान विधानसभा सूरतगढ़ के अंदर जो कांग्रेस का हार का कारण है वो तो पिछला चुनाव था। उसमें मैं लोग तो हमेशा से एक बात मानता हूँ कि यदि हम लोग चुनाव को हारते हैं तो हम कहीं न कहीं हमारे मैनेजमेंट में कमी रहती है। मैंने भी चुनाव को लूज किया है तो हमारे कहीं न कहीं कोई मैनेजमेंट में कमी रहती है। और जो चुनाव हारे हैं उन्हें भी इस बात पर आकलन करना चाहिए कि कहाँ हम मैनेजमेंट में कमी रखी है, कहाँ हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, और उन गलतियों को सुधार करके और हम आगे मजबूती से हम लोगों को चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। तो चुनाव की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर इस क्षेत्र के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर, वैसे तो आपका पूरे प्रदेश में बात करेंगे तो आपका प्रभाव काफ़ी देखा गया हर विधानसभा के अंदर, तो जो ये जो ज़िले हैं यहाँ पे कांग्रेस की जीत पिछली बार भी कई सीटों के ऊपर होनी थी, लेकिन जो कांग्रेस यहाँ से चुनाव हारी कई सीटों के ऊपर, राजस्थान के अंदर भी हमने देखा था, पीछे सर्वे किया तो बहुत सी 150+ सीटें आ रही थी कांग्रेस की, लेकिन अचानक बदलाव और कांग्रेस से बागी होकर कई जो प्रत्याशी से मैदान के अंदर आए और वहाँ से जो बीजेपी के कैंडिडेट जीते, तो अब की बार राजस्थान के अंदर क्या रहेगा? मतलब जो कई बागी हुए जैसे उन्होंने चुनाव लड़ा, तो अब की बार भी कांग्रेस ऐसे प्रत्याशियों के ऊपर नजर रहेगी? आप भी मतलब कांग्रेस पार्टी में कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, राजस्थान के प्रदेश के प्रभारी श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब और राजस्थान के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी का इस बात पर ध्यान है कि अब की बार सर्वे करवा करके और अच्छे से, यानी टिकटों का वितरण हो जो जिताऊ उम्मीदवार हो, तो ऐसे यदि टिकटों का वितरण होगा तो मेरे ख्याल में किसी को बागी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई बागी नहीं होगा। और वैसे भी आज राजस्थान प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी एकजुट है और पूरी तरह से एक साथ है और हम सब की मनसा है कि
दोबारा राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब दोबारा मुख्यमंत्री बने, राजस्थान में सरकार रिपीट हो और इन योजनाओं का लाभ कंटिन्यू जारी रहे। तो डूंगराम जी, मतलब आप लगातार जैसे प्रयास कर रहे हो, तो सूरतगढ़ के अंदर आपको मतलब क्या चीज़, किस चीज़ की कमी नज़र आई हुई सूरतगढ़ के अंदर? पहले तो प्राथमिकता जैसे जिलों के अंदर घोषणा हुई राजस्थान के अंदर, सूरतगढ़ भी जिले की मांग कर रहा था, कहीं ना कहीं तो सूरतगढ़ की जिले की मांग थी, लेकिन मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो जिला घोषित नहीं हुआ, इसको लेकर क्या कहूँगा? देखो, राजस्थान में जब पिछला 2023-24 का 22-23 का बजट आया तो मुख्यमंत्री जी ने ओपीएस की घोषणा की, और जब ओपीएस की घोषणा हुई तो पूरे राजस्थान में एक तरह से दीपावली में वातावरण हुआ और सारे राजस्थान में उस बजट को लेकर के खुशियां मनाई गई। अब की बार भी पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर जब 19 जिलों की घोषणा हुई, 3 संभागों की घोषणा हुई, तो राजस्थान प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा माहौल राजस्थान के अंदर बना। लेकिन सूरतगढ़ जब 19 जिले बने तो सूरतगढ़ उस जिलों की श्रेणी में नहीं आ पाया, वंचित रहा। इसके लिए आगे भी प्रयासरत हैं, प्रयास जारी हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने भी आगे के सारे दरवाजे खुले रखे हैं, क्योंकि राम लुभाया कमेटी है, उसका कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, और अभी भी उसके दरवाजे खुले हैं। तो प्रयास रहेगा कि सूरतगढ़ भी जिला बने, और सूरतगढ़ जिला बनना चाहिए, क्योंकि सूरतगढ़ भी पूरे जिले के सारे मापदंड है वो पूरा करता है। तो इसमें हमारी ये मांग रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, और हम लोग इसमें साथ हैं। अगर मौका मिलता है नेतृत्व करने का, तो सूरतगढ़ के अंदर और किस चीज़ की कमी है, और जो मतलब आपको नज़र आई, आप गांव में जा रहे हो, तो क्या समस्या नज़र आई सूरतगढ़ में? विशेष तौर से देखो, सूरतगढ़ जिला बने, एटा सिंहरासर माइनर की मांग बहुत प्रमुखता से सूरतगढ़ के अंदर उठती है, और वास्तव में उन गाँवों में जाते हैं तो हमें लगता है, आज भी लगता है कि हम लोग गंगानगर जिले में नहीं, जैसे कोई दूसरे जिले में घूम रहे हैं। तो इस तरह से तो एटा सिंहरासर माइनर की मांग भी है, और बाकी और भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, जो बिजली है, पानी है, स्कूल है, और यानी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज हैं। और आज सूरतगढ़ जो विधानसभा है, इस विधानसभा के अंदर कम से कम 4-5 कॉलेजों की मांग है। हमारा मानना है कि जैतसर के अंदर भी कॉलेज होना चाहिए, राज्यसर में कॉलेज होना चाहिए, सूरतगढ़ में महिला कॉलेज की और आज ज़रूरत है। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर और ज़्यादा हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और ज़्यादा कैसे मजबूत हो सकते हैं, इसके लिए आगे बहुत बड़ी संभावनाएँ, काम करने की ज़रूरत है। तो जैसे पंचायत समिति जो चुनाव हुआ, नगरपालिका के अंदर आपने देखा होगा, जैसे कांग्रेस का बोर्ड बना था तो वहाँ पे भी बीच में दिक्कत आई, बीजेपी में चले गए चेयरमैन साहब। तो क्या मतलब जो ये जो नेतृत्व है, इसको लेकर क्या कहोगे, जो एक जनता द्वारा चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि पार्टी चेंज कर लेते हैं? देखो, जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी से चुन करके जाता है तो उसे उसी पार्टी में रह करके और काम करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अब उनकी क्या परिस्थितियां रहीं, उस पर मुझे ज़्यादा प्रकाश डालने की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी आज हम लोग सूरतगढ़ के अंदर हर तरह से हम लोग मजबूत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मजबूत हैं तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की जन कल्याणकारी नीतियों की वजह से। तो विधानसभा के बाद में जैसे पंचायत समिति और नगरपालिका की बात करेंगे, जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, तो अब की बार जैसे लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीत मिली, लेकिन अब की बार 2023 का चुनाव कैसा रहेगा, और उसके ऊपर मतलब आपकी क्या भूमिका रहेगी चुनाव के अंदर, अगर मौका मिलता है आपको पार्टी की तरफ से नेतृत्व करने का? देखो, सूरतगढ़ में विधानसभा का चुनाव राजस्थान में पहले होता है, और उसके तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव होता है, और जब विधानसभा का चुनाव हम लोग राजस्थान में जीतेंगे तो इसी तरह से लोकसभा का चुनाव भी जीतेंगे। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, उसके बाद पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने, पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से, और राजस्थान में महंगाई राहत कैंप के माध्यम से जो आपस में जो संपर्क बनाया है और आपस में एक दूसरे से मिलने का और योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, इससे आज पूरे देश के अंदर बदला हुआ माहौल है, और लग रहा है कि हम लोग राजस्थान में भी सरकार कांग्रेस की बनाएंगे और 2024 के अंदर सेंटर के अंदर भी सरकार कांग्रेस की बनाएंगे। डूंगराम जी, जैसे कल दावेदारी हमने देखी, 10 जो प्रत्याशियों ने दावेदारी की उसमें आप भी थे, तो अगर मौका मतलब पार्टी किसी को नेतृत्व करने के लिए मौका मिलता है तो पार्टी के साथ रहोगे, या आपने तो जैसे बहुजन समाज पार्टी के अंदर आपने कांग्रेस के अंदर आए, तो कहीं ना कहीं आप विचारधारा आपको अच्छी लगी, लेकिन पार्टी ने आपको अच्छा मौका दिया, मंत्री बनाया आपको, तो क्या रहेगा अगर मौका मिलता है तो? देखो, मैं एक पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, अनुशासित सिपाही हूँ। मैंने बसपा के अंदर मेरी पूरी की पूरी जवानी का टाइम मैंने बसपा के अंदर लगाया, और जब बसपा में कुछ भी नहीं था तो यदि मैं किसी लोभ लालच में यदि
पार्टी में किसी में आता था तो मुझे उस टाइम बसपा में नहीं, और बड़ी पार्टियां बहुत थी, लेकिन मैं एक मिशन और मूवमेंट को लेकर के चला जिसके तहत मैंने बसपा में काम किया। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में जहां हमारे बसपा सबसे ज़्यादा मजबूत थी, वहीं जब स्थिति खराब हो गई तो हमें लगा कि अब जो देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाओं पर जो खतरा मंडरा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं पर जो हमले हो रहे हैं केंद्र के सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने का काम हो रहा है, तो इसलिए आज यदि हमें संविधान को बचाना है, संविधान की संस्थाओं को बचाना है, तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, कांग्रेस पार्टी। और यह सोच करके मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और मैंने पूरा जीवन जब संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए समर्पित किया है, तो आगे इस भी इस विधानसभा चुनाव के अंदर भी हम सब ने दावेदारी दी है और हमारी मजबूत दावेदारी, इसमें कोई दोराय नहीं। लेकिन पार्टी नेतृत्व जो भी फैसला करेंगे उस फैसले में हम पूरी तरह से साथ रहेंगे और कांग्रेस का प्रचार करेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की यानी जन कल्याणकारी नीतियों का प्रचार करेंगे और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है और भारत को जोड़ने का जो अभियान है, मोहब्बत की दुकान खोलने का अभियान है, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। टिकट भले किसी को मिले, हम कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे। तो डूंगराम जी, आखिरी सवाल आपसे, जो सादुल शहर के अंदर जो आपके विज्ञापन जो वगैरह लगे दीवारों के ऊपर, कहीं कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप सादुल शहर से भी टिकट की दावेदारी करें। देखो, मेरी सूरतगढ़ के अलावा कहीं से कोई दावेदारी नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस के साथ मैं कम समय हुआ है मुझे जुड़े हुए, तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं, मेरा और मेरी जो टीम है वो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के साथ लगें, यह सोच करके मैंने सिर्फ सादुल शहर में ही नहीं, गंगानगर विधानसभा के अंदर भी मैंने वॉल पेंटिंग करवाई है, कर्णपुर विधानसभा में मैंने वॉल पेंटिंग करवाई है, हनुमानगढ़ के अंदर भी करवाई है और पीलीबंगा के अंदर भी करवाई है, तो आसपास जो भी यानी विधानसभा हैं उनमें मैंने वॉल पेंटिंग करवाई है, ये सोच करके कि मेरे जो समर्थक हैं, मेरे जो कार्यकर्ता है, मेरे जो शुभचिंतक है, मेरी जो टीम है, वो कांग्रेस को ताने के लिए हर जगह, और यही नहीं बीकानेर, पूरे संभाग में, पूरे राजस्थान में मेरे जो समर्थक है, मेरे जो शुभचिंतक है, वो कांग्रेस को जिताने के लिए, कांग्रेस के लिए काम करें, इसके लिए मैंने वॉल पेंटिंग करवाई है। इसके अलावा मेरे मन साफ तरीके से मैंने वॉल पेंटिंग करवाई है, इसके अलावा मेरी कोई मनसा नहीं है। मैं चुनाव की उम्मीदवारी मैंने सूरतगढ़ से जताई है, पार्टी मौका देगी तो सूरतगढ़ से चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। एक आखिरी सवाल और आपसे, जो सामाजिक रूप में आपने सूरतगढ़ विधानसभा में जो काम किया और इस कार्यकाल के अंदर आपने मतलब क्या विकास कराया सूरतगढ़ के अंदर? सूरतगढ़ में देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने बहुत बड़ी बड़ी सौगातें सूरतगढ़ को दी है। सूरतगढ़ के अंदर सावित्री बाई फूले कन्या छात्रावास जो बीकानेर संभाग में एक है, जो सूरतगढ़ में दिया है। आयुर्वेदिक चिकित्सालय के अंदर पंचकर्म सिस्टम जो गंगानगर जिले में एक है, वो सूरतगढ़ को दिया है। गंगा नहर के, बाकड़ा नहर के और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जो सूरतगढ़ विधानसभा के अंदर खाड़े हैं, सारे के सारे खाड़े पक्के करने की सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने सूरतगढ़ में दी है। 1977 के अंदर पहला कॉलेज सूरतगढ़ के अंदर बना था और दूसरा कॉलेज अभी 2023 के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब द्वारा बीरवाणा में बना है, तो ये बहुत बड़ी सौगात है। 45 साल के बाद बीरवाणा के अंदर AEN ऑफिस ऊर्जा विभाग का दिया है, ये बहुत बड़ी सौगात है। बाकी काफ़ी पशु चिकित्सालय और भी यानी उप स्वास्थ्य केंद्र है वो सूरतगढ़ के अंदर दिए हैं, जो बहुत बड़ी सौगातें हैं मुख्यमंत्री जी द्वारा। और इन सौगातों के माध्यम से अभी जयसर के अंदर PSC को CSE में कन्वर्ट करने का काम भी मुख्यमंत्री जी ने किया, तो ये बहुत बड़े काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने किए। इन सारे के सारे कामों के बलबूते पर हम चाहते हैं कि सूरतगढ़ की जनता आज हमारे साथ है और साथ रहेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डूंगराम जी गेदर, जो सूरतगढ़ विधानसभा से कांग्रेस से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस अब की बार वापस रिपीट करना चाहती है और एक बार राजस्थान के अंदर BJP और एक बार कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का जो बजट है उसको देखते हुए कांग्रेस राजस्थान के अंदर वापस जो सरकार बनाने के पूरे प्रयास कर रही है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन छोटी के साथ मैं सुभाष चौधरी हूँ।